फ्रेंड्स, ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं भारत के राज्य स्टेट ऑफ इंडिया पार्ट वन, और आज हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। आप तस्वीर में देख रहे हैं बर्फीली वादियां हैं और चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य है। एक मानचित्र भी आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर की। तो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश और बॉर्डर देख रहे हैं, इसमें एक तरफ चीन लिखा हुआ है, चीन के बाद फिर इसका क्षेत्रीय बॉर्डर है वो पंजाब हरियाणा हिमाचल से लगता है, उत्तराखंड से लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में हिमाचल का बॉर्डर चीन से लगता है, जबकि राज्यों में इसका बॉर्डर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से लगता है। आप इसका एक फिजिकल मानचित्र भी देख रहे हैं, और आप छोटा सा मानचित्र देख रहे हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश दर्शाया गया है। बगल में चीन है और इसके अगल बगल में राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड है। इस तरह से हमने देखा हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर। आइए आप लोग, हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी। तो आप देख रहे हैं एक शहर दिखाया गया है, ये शिमला है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग सुनते हैं हिमाचल प्रदेश का एक फोक डांस। आपने फोक डांस देखा, और फोक डांस देखने के बाद हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्वतों की। तो पर्वतों में बात करेंगे माउंटेन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें आप देख रहे हैं मानचित्र बना हुआ है और उसमें कई लाइनें खींची गई हैं। नंबर आप ध्यान से देखेंगे, एक नंबर वाली लाइन है ये हिमाचल प्रदेश के ग्रेटर हिमालय को दर्शाती है। ग्रेटर हिमालय हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद नंबर दो लिखा हुआ है और नंबर तीन, नंबर दो पीर पंजाल है और नंबर तीन धौलाधर है। आगे जाके आप देख रहे हैं दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो पीर पंजाल और धौलाधर जब संयुक्त रूप से मिल जाते हैं ये मिडिल हिमालय कहलाता है। और इसके बाद नंबर चार पर है शिवालिक रेंज। तो इस तरह ग्रेटर हिमालय, धौलाधर, पीर पंजाल, शिवालिक को आपने देखा, ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्वत है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नदियां बहती हैं और उन नदियों ने पर्वतों को बीच बीच में काट दिया है, जहाँ उन पर्वतों को पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। आप देख रहे हैं पहाड़ी। अगली बात करते हैं हम लोग हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियां, जिसमें नंबर पड़े हुए आप देख रहे हैं। नंबर एक दिखाई दे रहा है सुकेट हिल्स, नंबर दो पर शिमला हिल्स, नंबर तीन नागटिब्बा हिल्स, नंबर चार ये मसूरी हिल्स दिखाई दे रहा है, और नंबर पांच पर है शिवालिक श्रेणी। इस तरह से आपने पहाड़ियों को भी देखा, और अब आप आगे देख रहे हैं बर्फीले रास्ते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और बीच में सकरा सा रास्ता दिखाई दे रहा है, इधर भी आप देख रहे हैं। इन सकरे रास्ते को दर्रे कहते हैं। पहले स्लाइड में आप देख रहे हैं ये रोहतांग पास का सीन है, और इधर लेह मनाली मार्ग का सीन है। तो आइए हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप मानचित्र में देख रहे हैं नंबर पड़े हुए हैं, और इन नंबर के आधार पर हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की। तो नंबर एक आपको मिला, नंबर एक लिखा है बड़ा लाचाला दर्रा। ये बड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में है, ये जास्कर श्रेणी में है, और यहाँ से लेह मनाली मार्ग जाता है। अगर आपने फिल्म थ्री इडियट देखी है तो उसमें जो मनाली से लोग लेह के लिए जाते हैं, लद्दाख के लिए जाते हैं, वो इसी दर्रे से गुजरते हैं, लेह मनाली मार्ग। इसके बाद नंबर दो है ये रोहतांग पास है। रोहतांग पास पीर पंजाल श्रेणी में कुल्लू जिले में है, और यहाँ से लाहौल घाटी के लिए मार्ग जाता है। और नंबर तीन सिपकीला, आप सिपकीला देख रहे हैं, नंबर तीन सिपकीला है, ये भारत चीन बॉर्डर पर है, और इससे NH22 गुजरता है, सिपकीला बॉर्डर। और इसके बाद नंबर चार रानी सो, नंबर चार पर रानी सो है, ये रानी सो भारत और चीन का बॉर्डर पर है, यहाँ से सतलज नदी बहती है। और नंबर पांच है खिमुकुल दर्रा,
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में गड्ढे जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ। तो हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ। घाटियों की बात करें तो वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश नंबर पड़े हुए हैं। पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है बर्फीला क्षेत्र है, इसमें स्पीति वैली आपको दिखाई दे रहा है, स्पीति वैली। और नंबर दो देख रहे हैं आप चंबा वैली है। इसके बाद नंबर तीन कुल्लू वैली इधर दिखाई दे रहा है आपको, और नंबर चार कांगड़ा वैली। नंबर पाँच पर है महासू वैली, नंबर छः रामपुर वैली, नंबर सात नेसर वैली, और नंबर आठ पर बासपा वैली आपने देखा। तो हम लोग आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर सॉरी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों की। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको झीलें दिखाई दे रही है। आगे हम लोग पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें, लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश नंबर पड़े हुए हैं। आप झीलों को देख रहे हैं तो झीलों की बात करेंगे तो नंबर एक से हम लोग चलते हैं। नंबर एक ये चमेरा झील है, ये कृत्रिम झील है। नंबर एक चमेरा झील कृत्रिम झील, आप लोकेशन भी देख रहे हैं चमेरा झील। और इसके बाद नंबर दो आप देख रहे हैं ये खजियार झील है, खजियार झील चंबा जिले में है, ये पीर पंजाल श्रेणी के पास है खजियार झील। और नंबर तीन आप देख रहे हैं भृगु झील है, ये भृगु झील कुल्लू जिले में है, भृगु झील आप देख रहे हैं। इसके बाद नंबर चार आप महाराणा प्रताप झील देख रहे हैं, नंबर चार पर है सूरजताल झील। और इसके बाद नंबर पाँच पर आप देख रहे हैं, नंबर पाँच महाराणा प्रताप झील है, पोंग नदी पर बांध बनाया गया है, पोंग जलाशय बन गया है, उसी को महाराणा प्रताप झील भी कहते हैं। ये महाराणा प्रताप झील कांगड़ा जिले में है। इसके बाद नंबर छः पर है रेवालसर झील, आप देख रहे हैं नंबर छः पर रेवालसर झील है, ये रेवालसर झील मंडी जिले में है। इसके बाद अगला नंबर प्रासर झील, ये भी मंडी जिले में है। और अगला नंबर आठ नंबर है सतलज नदी पर, आप देख रहे हैं आठ नंबर सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है, उसी बांध की वजह से एक झील का निर्माण हो गया है, ये कृत्रिम झील है। ये भारत की सर्वाधिक जल संग्रह वाली झील है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जल मिलेगा। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी है, लेकिन जल संग्रह की दृष्टि से ये भारत की सबसे बड़ी झील हो जाती है जो कृत्रिम झील के अंतर्गत आती है। और इसके बाद नंबर नौ आप देख रहे हैं नौका झील है, और नंबर दस पर है रेणुका झील। ये रेणुका झील सिरमौर जिले में है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इस तरह से हम लोगों ने बात की हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों की। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं पहाड़ों की नदियाँ कितनी छोटी छोटी होती हैं। इधर दूसरी स्लाइड पर आप देख रहे हैं झरने की तरह पानी गिर रहा है, पतली सी नदी दिखाई दे रही है। फिलहाल ये नदियाँ साइज में तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनका पानी बहुत तेज गति से बहता है। इन नदियों में घुसने से जान जाने का भी खतरा होता है, पता नहीं कब कितना पानी आ जाए और लोग बह जाते हैं, ऐसी दुर्घटना अक्सर होती रहती है। तो हम लोग बात करते हैं रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप देख रहे हैं नंबर एक लिखा हुआ है, नंबर एक ये चिनाब रिवर है, नंबर एक में चिनाब रिवर। इसके बाद नंबर दो की बात करेंगे, चंबा जिले से गुजर रही है, नंबर दो रावी नदी है। इसके बाद नंबर तीन आप देख रहे हैं, नंबर तीन ये ब्यास नदी है, कुल्लू घाटी से होकर गुजरती है, मंडी से होकर गुजरती है। और इसके बाद नंबर तीन चार पर है स्पीति नदी, स्पीति नदी को आप देख रहे हैं स्पीति नदी है। और इसके बाद नंबर पाँच सतलज नदी, कई जगह लिखा हुआ नंबर पाँच तरह से कि नौर वैली से होकर के जा रही है सतलज नदी मंडी, और इस तरह से इस पर भाखड़ा नंगल बांध भी बनाया गया है, ये सतलज नदी है। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बह रही है, इधर उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर, ये टॉन्स रिवर है, ये हिमाचल उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। तो हिमाचल की आपने नदियां देखी, जब नदियां देखी हैं तो आगे हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजना की। आप देख रहे हैं नदी घाटी परियोजनाओं का एक चित्र दिखाया गया है, और आगे हम लोग बात करते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। तो नंबर एक की हम लोग बात करते हैं, ये रावी नदी पर बना हुआ है, रावी नदी आप देख रहे हैं, रावी नदी पर ये चमेरा बांध है, ये चंबा जिले में है, रावी नदी चमेरा बांध चंबा जिले। और नंबर दो पर है पोंग जलाशय, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप हम लोग आगे देखते हैं, पोंग जलाशय लिखा है, ब्यास नदी पर बना हुआ है पोंग जलाशय, और ये कांगड़ा जिले में शिवालिक पहाड़ियों पर बनाया गया है। इसके बाद नंबर तीन की हम लोग बात करेंगे, नंबर तीन पर है पंडो डैम, ये पंडो डैम आप देख रहे हैं, ये भी ब्यास नदी पर बनाया है पंडो डैम, और यही मंडी जिले में है, और यहाँ से इस ब्यास नदी के जल को सतलज नदी में गिराया जाता है। तो ध्यान रखेंगे पंडो डैम से ही ब्यास नदी के जल को सतलज में गिराया जाता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर चार की,
नंबर चार पर है नेथवा डैम, ये सतलज नदी पर बनाया गया है नेथवा डैम सतलज नदी, और ये शिमला जिले में है। और इसके बाद नंबर पांच भाखड़ा नंगल बांध, आप देख रहे हैं नंबर पांच लिखा हुआ है, ये बिलासपुर जिले में भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर है, ये पंजाब और हिमाचल का संयुक्त बांध है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आप देख भी रहे हैं कि कुछ जीव जंतु दिखाए गए हैं, यानी हम लोग आगे पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव स्थल। और इसके लिए हम लोग एक मैप देखते हैं और मैप में नंबर एक और नंबर दो पड़े हुए हैं, दो ही महत्वपूर्ण हैं, बाकी बहुत सारे हैं। तो नंबर एक पहला नंबर है पिन घाटी नेशनल पार्क, आप देख रहे हैं एक नंबर पिन घाटी नेशनल पार्क है, ये लाहौल स्पीति जिले में है, ये ठंडे मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और इसके बाद फिर नंबर दो पर आप देख रहे हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कुल्लू जिले में है, कुल्लू जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप कुछ तस्वीरें और देखेंगे, इन तस्वीरों में आप विभिन्न जीवों को देख रहे हैं। और फिर हम लोग आगे चलते हैं, इस तस्वीर में आप एक देख रहे हैं कस्तूरी मृग होता है, इसको आप कस्तूरी मृग के नाम से जान सकते हैं, और कई देख रहे हैं जीव जंतु यहाँ के दिखाए गए हैं। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये तस्वीरें आपने देखी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब हिमाचल प्रदेश की प्रमुख वनस्पति की, तो आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चीड़ देवदार कई वृक्ष हैं, यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है वो शंकुधारी प्रकार की वनस्पति मिलती है। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जो खेत होते हैं वो सीढ़ीनुमा खेत आपको मिलेंगे, आप सीढ़ीनुमा खेतों को देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने खेत बनाए हैं और वहाँ पर फसलें उगाते हैं, इस तरह के सीढ़ीनुमा खेत आपको मिलेंगे। और फिर हम लोग आगे चलते हैं प्रमुख फलों को देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से फल उत्पादन किया जाता है, आप देख रहे हैं सेब है और इस तरह से कई बहुत सारे फल हैं, नाम भी दिए गए हैं, अनार लीची जैक फ्रूट और कई तरह के खट्टे फल भी हैं, इस तरह से हिमाचल प्रदेश के फलों का आपने देखा। और आगे हम लोग बात करते हैं खनिजों की, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खनिज, तो ढेर सारे खनिज यहाँ मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर हम बात करेंगे तो विशेष रूप से यहाँ का सेंधा नमक या चट्टानी नमक की बात करते हैं, ये चट्टानी नमक आपको मिलेगा। चट्टानी नमक के लिए हम लोग अगले मैप पे चलते हैं और देखते हैं, एक मैप दिखाया गया है जिसमें ऊपर मंडी लिखा हुआ है, मंडी जिले में चट्टानी नमक की खाने हैं और यहाँ से भारत के बाहर भी नमक को निर्यात किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख व्यवसाय की, तो यहाँ के लोग शॉल बनाने का काम करते हैं या कुछ दूसरे काम भी करते हैं, तो इस तरह की शॉल यहाँ बनती है, कुल्लू घाटी में भी शॉल बनाई जाती है, साथ में यहाँ पर मनाली टोपी कह सकते हैं या कांगड़ी टोपी कह सकते हैं, इस तरह के यहाँ पर व्यवसाय लोगों ने लगाए हैं और साथ में कुछ बड़े संयंत्र भी लगे हुए हैं। और साथ में यहाँ का प्रमुख व्यवसाय पर्यटन है, अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप देख रहे हैं किस तरह लोग बकरे को चरा रहे हैं, यहाँ की गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ हैं जो खाना बदोश टाइप की होती हैं, ये अपने भेड़ बकरियों को चराती हैं, जब सर्दी का मौसम आता है ये अपनी भेड़ बकरियों को पहाड़ों की चोटी से घाटियों को ले जाते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है बर्फ़ पिघल जाती है चोटियाँ खुल जाती हैं तब अपनी भेड़ बकरियों को यूरोप पहाड़ों की चोटियों की तरफ ले जाते हैं, इस तरह से ये मौसमी प्रवास करते हैं। और फिर हम लोग आगे देख रहे हैं, इसमें तस्वीर में कुछ लोग दिखाए गए हैं, यानी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ आप देख रहे हैं, कई जनजातियों को दिखाया गया है, तो जनजातियों को देखने के लिए हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। नंबर एक पर है गद्दी, नंबर दो गुजर, नंबर तीन लांबा, नंबर चार किन्नौरा, नंबर पाँच लाहौला और नंबर छः पांगुला। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दुर्गम रास्तों की, आप देख रहे हैं किस तरह से कठिन रास्ते दिखाए गए हैं, चारों तरफ बर्फ गिरा हुआ है, पतला सा रास्ता है और यह ऊंचाई से ट्रेन गुजर रही है, और इस तीसरे वाले में चट्टान को काट कर से रास्ता बनाया गया है, साथ में यहाँ पर सीढ़ीनुमा आपको दिखाई दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, किस तरह से रास्ता बना हुआ है और इसमें चट्टान के अंदर से गाड़ी जा रही है और इस तरह से आप ट्रेन को देख रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के दुर्गम रास्ते। दूसरी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, और इस तस्वीर को आप देख रहे हैं अगर गलती से भी कोई दुर्घटना होती है या कोई गलती होती है तो यहाँ पर जान जाने का पूरा पूरा खतरा है, इस तरह से हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ पर्यटन स्थलों की, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आगे, एक और मैप में आपने पर्यटन स्थल देखा, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्यटन स्थलों में, पहले नंबर पर है शिमला, तो आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें शिमला के बारे में दिखाया गया है, ये शिमला है, जनवरी के मौसम में किस तरह से बर्फ गिरती है और चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य होता है, ये आपने शिमला को देखा, इधर लोग बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं
ये जब मौसम साफ होता है, बर्फ नहीं गिरती है, तो उस समय शिमला का नजरिया है। कुछ लोग बर्फ में खेलने का आनंद ले रहे हैं। और फिर आगे आप देख रहे हैं शिमला, जाखू मंदिर है यहाँ। और जाखू मंदिर के बाद इसी शिमला के पास में एक स्थान है कुफरी। कुफरी में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। बहुत सारी परीक्षाओं पूछा जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप याद रखेंगे ये शिमला के पास कुफरी में है। और आगे कुछ तस्वीरों में आप जाखू मंदिर को देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग शिमला के बारे में देखे, लोग बर्फ का आनंद ले रहे हैं। और फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगला वाला है मणिकरण। हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है मणिकरण, यहाँ पर गर्म जल का स्रोत है। आप देख रहे हैं गर्म जल का कुंड है जिसमें खाना पक रहा है, इस तरह से बर्तनों में खाना पकाया जाता है। और यहीं पर एक हिडिम्बा देवी का मंदिर है, जो आप देख रहे हैं हिडिम्बा देवी का मंदिर। ये हिडिम्बा देवी का बगल से नदी बह रही है, पार्वती नदी। तो मणिकरण में फिलहाल एक भूतापी ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है मणिकरण। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और आगे आप देख रहे हैं मंडी। ये मंडी जिला है, और मंडी जिले में कई तस्वीरों को देख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर हमको नहीं रखना चाहिए था, लेकिन आपको अवगत कराने रखना पड़ा है। यहाँ पर एक बार कुछ इंजीनियरिंग के छात्र थे, वो नदी में नहा रहे थे, अचानक पानी आया और 21 छात्र बह गए थे, तो ये बड़ी दुर्घटना हो गई थी। अक्सर लोग पानी की पतली धारा को देखने के लिए चले जाते हैं और नदी में घुस जाते हैं। पहाड़ों से पानी कब आ जाता है पता नहीं चलता है, और दुर्घटना हो जाती है। इस तरह ध्यान रखना है कि पहाड़ों की नदियों में कभी प्रवेश नहीं करना है, वहां पर पानी अचानक आ जाता है और जान जाने का खतरा होता है। देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन उतनी खतरनाक भी होती है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगला जिला है कुल्लू। आप कुल्लू में देख रहे हैं रोहतांग पास दिखाया गया है, इधर भी रोहतांग पास का ही सीन है, कुल्लू घाटी आप देख रहे हैं। और यहाँ का आप कुल्लू साल भी खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मनाली चलते हैं। और मनाली में आप देख रहे हैं ले मनाली मार्ग का दर्रा दिखाया गया है, और इस तरह से मनाली में सैलानी क्वीन ऑफ हिल्स भी इसको कहते हैं, और किस तरह से सैलानी यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। साथ में ब्यास नदी आप देख रहे हैं, और मनाली की कई तस्वीरें आपने देखी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख भोजन की, तो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का प्रमुख भोजन। और इसके बाद भारत का स्विट्जरलैंड, खज्जर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो आप इसका भी आपने तस्वीर देखा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं धर्मशाला की। धर्मशाला दलाई लामा मंदिर यहाँ पर है, पार्क है, और कई चीजें आपने यहाँ देखी। आप ट्रेन को देख रहे हैं किस तरह से ऊंचाई पर ट्रेन गुजर रही है, और इस तरह से आपने धर्मशाला देखा। फ्रेंड्स, हमने जम्मू हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।